बायो ब्लास्ट में आपका स्वागत है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 12 क्लास 12 की एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें इकोसिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो जैसे हमने पिछले टॉपिक को ब्रेक किया था अलग अलग टॉपिक्स में, मतलब पिछले चैप्टर को, वैसे ही इकोसिस्टम के चैप्टर्स को भी हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में। मे भी हो सकता है लेक्चर तो ऑलमोस्ट वही होगा, 20 से 25 मिनट हो सकता है, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे भी हो सकता है अगर समझाने में थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो, क्योंकि मेरा एक्चुअल में एक टेंडेंसी है, मैं थोड़े आराम से चीज़ों को समझाता हूँ, रश में नहीं रहता हूँ, ठीक है। अब जल्दी में करने का ऐसा कुछ नहीं कि हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं खुद ही जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है वैसे बोल देता हूँ चीज़ें। इसके बारे में या किसी भी चैप्टर के बारे में एजुकेटर या टीचर कितना भी बेहतरीन पढ़ा ले, ठीक है, ये आपके लिए एक सलाह है, सजेशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आप बेहतरीन करने की कोशिश में ना रहें। अगर आप बेहतरीन करने की कोशिश में रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि टीचर बेहतर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तब आपकी सारी क्वेरीज जो हैं धीरे धीरे रिजॉल्व होती जाएंगी। और अगर आप बेहतर करने की कोशिश में नहीं हैं, खाली आप कहते हैं ना ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि अरे एम्स तो हम पहुंच जाएंगे, नीट निकाल लेंगे, ये रैंक आ जाएगा, वो रैंक आ जाएगा, बस हमको इसका टेस्ट सीरीज मिल जाए, आकाश का मिल जाए, एलेन का मिल जाए, PW ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ सब ज्वाइन कर लेंगे, इससे देखिए होना नहीं है कुछ, सबको पता है। लेकिन क्या है कि हम उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी क्या हैं, दिखती आसान है, दिखती बड़ी बढ़िया है, लेकिन अंदर से क्या है वो आपको नहीं पता होता है। लेकिन जहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं, ठीक है, जैसे होता है ना रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो आपको खाना ऐसे परोसा जाएगा, उसका टेस्ट का क्या क्वालिटी है, लेकिन मैक्सिमम जगह खाना ऐसे परोसा जाएगा कि आपको देख के लगेगा नहीं बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, खाने के टाइम पे वो चीज़ें उतनी टेस्टी नहीं होती हैं। तो दोनों की वैल्यू है, दोनों का मतलब है, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और आप मेहनत करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाने वाला होता है ना वो और मेहनत करता है और वो और बेहतर होता जाता है, समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में और इससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, पूरी कहानी इसी के ऊपर है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। सो इकोसिस्टम शब्द या वर्ड से आप वाकिफ होंगे, ठीक है, यू डेफिनेटली हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोसिस्टम इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच माई प्रीवियस लेक्चर और एनी वंस लेक्चर, ठीक है, यू डेफिनेटली नो अबाउट इकोसिस्टम। अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, आप तब भी जान जाएंगे, और पता है तो और अच्छी बात है, और अच्छे से जानेंगे, आपका रिवाइज जाएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम के लिए हम बताए थे कि तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और इसी से हमने लिंक किया था इकोसिस्टम को, ठीक है, और इससे फिर हमने लिंक किया था किसको, इकोलॉजी को, नहीं ये वर्ड आया था, हमने फिर समझाया था पिछले उसमें भी, जो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे थे उसमें भी यही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं। और टोटली सारा चीज़ लिंक किससे है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमको इस पे फोकस करना है, SNF पे। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल सा, आर सराउंडिंग, नहीं है नहीं स्पेलिंग भाई, बताइए स्पेलिंग यही है कि दूसरी है। अरे यहाँ पे वो लिख दिया गया है भाई, ये यू होगा, सराउंडिंग है, ठीक है, सॉरी, आप लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलिए, आर सराउंडिंग में मतलब क्या क्या आएगा, सब कुछ आएगा, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, डॉग भी देख रहे होंगे,
ठीक है, गोट भी देख रहे होंगे प्रॉब्ली, काऊ देख ही रहे होंगे, हमारी गाय माता है, हमारे बाप जो हैं बैल भी देख रहे होंगे, ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट देख रहे होंगे, ठीक है, इसके अलावा आपके घरों में भी चूहा भी होगा, रैट जिसको बोलना है, इसके अलावा और क्या होगा, कॉकरोचेज भी होंगे, ठीक है, आसपास आपको बर्ड्स भी दिखेंगी, ठीक है, इसके अलावा इंसान तो दिख ही रहे हैं जिनको हम ह्यूमन बोलते हैं शायद, नहीं यही बोलते हैं ना, और ऐसे अदर आपको ये दिख रहे होंगे। और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, डिपेंडेंसी किसके ऊपर है इनकी, इनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है भाई, इनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, हवा के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर, ठीक है, मिट्टी के ऊपर है कि नहीं बताइए, टेम्परेचर, लाइट के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर, ये बेसिक चीज़ें हैं, और अल्टीमेटली फिर फूड आ रहा है, ठीक है, तो फूड तो खैर देखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों में क्या अंतर आपको लग रहा है, इसमें से जिंदा कौन है, ये जिंदा 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 है, या इधर वाले कैटेगरी जिंदा है, नहीं। तो अगर आपको आइडिया होगा थोड़ा सा भी, आपको पता है कि भाई जिंदा होने का क्या सबूत है, क्या पहचान है, आदमी लाश हो जाती है ना, लाश को क्या कैसे पहचानते हैं कि ये लाश है या जिंदा है, सो दिस इज लिविंग, ठीक है। और इधर की कैटेगरी अगर हम बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, ठीक है, बस मेरे शब्दों को और जो यहाँ पे चीजें चल रही हैं उसको पकड़ते रहिए, कभी कभी क्या है ना, लिखा हुआ जो है वो थोड़ा लैग करने लगता है, यहाँ पे लैग नहीं दिखाता है, लेकिन जब वीडियो प्रोसेसिंग होती है तो उसके बाद वो लैग दिखा देता है, तो उस पर नहीं जाना है आपको, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है, ओवरऑल चीजें समझ में आई, यही अपने आसपास दिखता है, और इसके अलावा क्या दिखता है भाई, गाड़ी मोटर सब कुछ दिखता है ना, इसमें ऐड कर लीजिए गाड़ी मोटर, लेकिन गाड़ी मोटर हमने बनाया है एक्चुअली में, इसलिए हमने वर्ड यूज नहीं किया। अब इन सारी चीजों को आपने देखा तो हम पूरे आर सराउंडिंग को बेसिकली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, दो भाग कौन कौन से हैं अभी हमने पढ़ा, एक लिविंग होगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, भाई यही है कहानी, तो यही है। लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग को हम क्या बोलते हैं, ए बायोटिक, बहुत जगह पे जहाँ पे ए यूज हो जाता है वर्ड, ए का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। बायोटिक कहाँ से आया है वर्ड, एक्चुअली में बायोटिक आया है वर्ड बायोस से, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, समझ रहे हैं ना, आगे हम देखेंगे कि बायोस, और इसी से बना हुआ है बायोस्फीयर, मतलब जिस ऐसा स्फीयर, अर्थ का ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ है, ठीक है, ये समझ में आया ना, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए बायोटिक, जहाँ पे लाइफ नहीं है, वेयर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, और वेयर वेयर देयर इज नो लाइफ, ठीक है, वेयर देयर इज नो लाइफ, दो फैक्टर आ गए, ए बायोटिक एंड बायोटिक, हमने इसके पहले बता दिया कि उन दोनों फैक्टर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, इसी में हवा, पानी, सॉयल, मिट्टी, टेम्परेचर, लाइट, इसी में आ रहा था, और इसमें जितने भी जानवर देखते हैं आप, इंसेक्ट से लेके बर्ड से लेके आदमी से लेके सब कुछ, सब इसमें आएंगे, क्लियर है, आर सराउंडिंग में, ठीक है। अब भाई जिंदा लोग जो है डिपेंडेंट, हमने बोला कि किनके ऊपर है, ये डिपेंडेंट इनके ऊपर है, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा जितने लिविंग है, जितने भी हम ऐसे कैटेगरी बना रहे थे लिविंग में, ये भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अभी इसके पिछले पिछले हिस्से में पढ़ा था हमने पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स में, कि भाई इनके बीच में भी इंटरेक्शन होता है, जिसको हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन या बायोटिक इंटरेक्शंस बोला था, इसके पहले पढ़े थे ना भाई, क्या बायोटिक इंटरेक्शंस, अरे जिसमें कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन सब आता था, तो वो बायोटिक इंटरेक्शन है, या इसको हमने और क्या बोला था, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, और इनका इनके साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, भाई हम पानी बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है, मिट्टी नहीं रहेगी, सॉयल नहीं रहेगा, तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, तो खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर भी मिलना चाहिए, फूड के लिए भी जो प्लांट ग्रो करता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, तो डिपेंडेंसी है ना, तो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है लिविंग और लिविंग के, ठीक है, इन्हीं इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं,
इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन बिटवीन, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, एंड बिटवीन लिविंग्स, ठीक है। कहने का मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड बिटवीन बिटवीन बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर इटसेल्फ, मतलब बिटवीन का मतलब हो गया एमंग द बायोटिक फैक्टर, इसको बिटवीन में करिए, एमंग कर लीजिए और बेहतर रहेगा आपके लिए। ये बिटवीन हो गया, ठीक है, ये बिटवीन हो गया, और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, एमंग बायोटिक फैक्टर, ठीक है, जिंदा और जिंदा के बीच में, लिविंग एंड लिविंग के बीच में, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, ये हमने स्टेटमेंट लिखा, इसको दिखा कैसे सकते हैं, बायोटिक इंटरेक्शन कर रहा है किसके साथ, बायोटिक के साथ, और ए बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, बायोटिक के साथ। ये पहला और दूसरा, ये दोनों इंटरेक्शन की स्टडी हम किस में करते हैं, इकोसिस्टम में करते हैं, ठीक है। और इन्हीं इंटरेक्शन, ये स्टडी इकोसिस्टम है, मतलब इकोसिस्टम का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन दीज, ठीक है। और इसकी ओवरऑल जब हम स्टडी करते हैं कि किस टाइप का इंटरेक्शन है और क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं चीज़ों को, जो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, उसी की स्टडी हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स। अब हमको लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है, अगर आना है बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया है आपको, एग्जांपल्स के साथ बता दिया है और एक एक लाइन लिख के, स्टेटमेंट लिख के, और पूरा क्लियर किया है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया इकोसिस्टम का, आई होप यू गॉट द मीनिंग प्रॉपरली, ठीक है, दिस इज द इकोसिस्टम। अब आते हैं हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर में ही आता है एबायोटिक एंड बायोटिक, इकोसिस्टम में ही आता है एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स, समझ रहे हैं ना, इन्हीं के बीच के तो स्टडी भाई हमने किया, ये इंटरेक्शन और इनके बीच के खुद का इंटरेक्शन, यही दो इंटरेक्शन हमने देखा, क्लियर है कि नहीं, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम तो समझ लिया, अब नेचर में किस टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आज हमको यही पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये सब फंक्शन है, ठीक है, तो इस पे हम आज नहीं पढ़ेंगे, आप हम अभी आज हम स्ट्रक्चर पे ही पढ़ रहे हैं और स्ट्रक्चर खत्म करेंगे तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इकोसिस्टम के अगर उसमें हम चलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के टाइप्स पे इन जनरल की कितने टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको दो वर्ड लिखा हुआ है, एक इकोसिस्टम टेरिस्ट्रियल होगा, टेरिस्ट्रियल का मतलब जहाँ पे धरती होगी, ठीक है, टेरिस्ट्रियल, और दूसरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, एक्वेटिक, मतलब पानी वाला सिस्टम, ये तो क्लियर है भाई। अब टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक में भी अलग अलग आएंगे, लेकिन एक बेसिक क्या होगा, यहाँ पर भी एक आएगा नेचुरल आएगा, ठीक है, और एक क्या आएगा, आर्टिफिशियल, समझ रहे हैं कि नहीं, आर्टिफिशियल, यहाँ पर भी क्या आएगा, नेचुरल आएगा और आर्टिफिशियल आएगा, हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, शुरू में नेचुरल लिख देते एंड आर्टिफिशियल, अब उसमें भी टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक करते, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं। अब टेरिस्ट्रियल में नेचुरल इकोसिस्टम सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, फॉरेस्ट का है, समझ रहे हैं ना, जो नेचुरल ग्रासलैंड है ये सब क्या है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, वुडलैंड जो भी है सब क्या है, ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, नेचुरल है, क्लियर है। आर्टिफिशियल में आ जाएंगे तो क्या है, सबसे बेसिक आपको जो एग्रीकल्चरल फील्ड दिखते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड या जिसको हम क्रॉप फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हमको इकोसिस्टम डेवलप कराना है तो आर्टिफिशियल हम डेवलप शुरू करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि वो नेचुरल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देखने को मिलेगा, जो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो लगभग अब कन्वर्ट हो गया है, मतलब एक्स सीचू से इन सीचू में कन्वर्जन हो गया है, आर्टिफिशियली हमने उसको डेवलप किया नॉर्मली, लेकिन अब वो नेचुरल इकोसिस्टम की तरह पूरा बिहेव करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क,
ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको देखने को मिलेगा, वहाँ के स्टूडेंट को ले जाया जाता है दिखाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये मीनिंग समझ में आया। ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाइए, तो एक्वेटिक में भी आएंगे तो नेचुरल में आपको क्या मिलेगा भाई, ओशन मिलेगा, सी मिलेगा, रिवर मिलेगा, जो नेचुरल लेक्स हैं जैसे डल लेक है भाई, एक सेकेंड, लेक्स, डल लेक, उलर लेक, ऐसे बहुत सारी नेचुरल लेक हैं। ठीक है, उसको हमने नहीं बनाया है। ठीक है, हमने नहीं बनाया, हम कौन सा बनाते हैं, जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो पॉन्ड हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर एक्ट्स एज अ इकोसिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। तो इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है, मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है, और एक पूरा समुंदर हो सकता है, पैसिफिक ओशन हो सकता है, अटलांटिक ओशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? मीनिंग समझ में आ गया है आपको? अब आई थिंक मीनिंग समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब इसको आप रीड करेंगे तो आपको पूरी चीज एकदम कहानी जो है ना एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर होगी। देखिए, टेरिस्टियल और ये सब हो गया, क्रॉप फील्ड देखिए मैनमेड लिखा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। देखिए, एक्वेरियम पॉन्ड के लिए हो गया, एक्वेरियम हो गया, आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड हो गया ये। ठीक है, एक्वेटिक में जैसे देखिए फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये कौन सा, टेरिस्टियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। एक्वेटिक में इसी में आएगा, पॉन्ड है, नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, एस्चुरीज हैं, सब क्या एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है भाई, क्या लिखा हुआ है हमने बता दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो इकोसिस्टम देखेंगे आप तो छोटे से छोटा भी हो सकता है, ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है, बहुत बड़ा ओशन भी हो सकता है। क्लियर है, इतनी पिक्चर क्लियर है कि नहीं? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर आगे हम बढ़े, नहीं क्लियर है तो फिर रुक जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पीछे गो बैक जाके आप देख लीजिए कि इकोसिस्टम क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, और उसमें कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अभी हम पढ़ ही रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, शुरू से स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, फंक्शन हम अगली क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर हम इसमें से फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है उसको अगर देखते हैं ना, तो फॉरेस्ट के केस में हमको एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे हायरार्की नहीं होती है, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हैं या ऐसे छोटे से बड़ा। आप कभी प्रेयर में खड़े हुए होंगे स्कूल में, तो सबसे छोटा आगे खड़ा करते हैं नॉर्मली, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे बनता है। ठीक है, नहीं, ताकि क्या है, सब लोग एक ऑर्डर में रहें। फोटोग्राफी जैसे फोटो आप खिंचवाते होंगे, कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो दो तीन लाइन बनानी है, तो देखिए आगे वाले बैठ जाते हैं, पीछे वाले थोड़े से चेयर पे बैठते हैं, फिर एकदम पीछे वाले जो होते हैं बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, या ऐसे स्टेप्स होती हैं। कभी आप बढ़िया क्लासरूम में जाइए तो देखिए एकदम क्लासरूम कैसे बना रहता है, ऐसे ऑर्डर रहता है, स्टेप वाइज मैनर में रहता है, आप ध्यान दीजिए कभी। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर में आपको ऐसे दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे एक आदमी रहेगा, फिर यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे, मतलब ऐसे रो, तो क्या है कि आराम से यहाँ पे सब लोग, चाहे बड़ा बैठा हुआ आगे चाहे छोटा, ये पूरा सबको दिखेगा। लेकिन अगर ये डिसऑर्डरली मैनर में रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो इकोसिस्टम नेचुरली भी ऐसे सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, और फॉरेस्ट में बहुत क्लियर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और फॉरेस्ट में क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। क्या होता है, वर्टिकल, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, डिफरेंट स्पीसीज का। ठीक है, हर स्पीसीज अलग अलग लेवल पे, जैसे हमने अगर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, तो सबसे नीचे स्पीसीज होता है, और ऐसे ऊपर आते जाएंगे तो यहाँ पे हमको किंगडम दिखेगा। ठीक है, जैसे हम किंगडम, और यहाँ पे ऐसे ऑर्डर में डिवाइड होता है। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या आता है, ऑर्डर आता है, समझ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे फैमिली आएगा, जीनस आएगा, और नीचे स्पीसीज। तो बेसिक ये सेवन ऑर्डर होते हैं। किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम या डिवीजन आएगा, और यहाँ क्लास आएगा। ये सेवन बेसिक यूनिट है। तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई करती है नेचर में। ठीक है, तो इंटरेक्शंस बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर, यही हम बता रहे थे अभी। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जो भी टेरिस्टियल में आता हो चाहे एक्वेटिक में आता हो, उसमें भी जितना डिवीजन है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, ठीक है, या अदर कोई भी इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है ग्रासलैंड का, एक्वेटिक में चाहे ओशन हो, सी हो, एस्चुरीज हो, रिवर हो, पॉन्ड्स हो, नेचुरल लेक हो, ठीक है, सबका
अलग अलग फिजिकल मतलब उसी एबायोटिक और बायोटिक जो इंटरेक्शन हो रहा है सब में आपको अलग अलग थोड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। जब हम किसी भी इकोसिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं और स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि भाई किस टाइप की स्पीसीज यहाँ पे है। जैसे हम किसी ग्रासलैंड को लिए सपोज, तो ग्रासलैंड में जो स्पीसीज कंपोजिशन होगा, ठीक है, स्पीसीज कंपोजिशन होगा ना वो अलग होगा, ठीक है। और यहीं पे हम अगर मान लीजिए अमेजन रेन फॉरेस्ट ले लिए, ठीक है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है अमेजन रेन फॉरेस्ट मान लीजिए, तो इसमें स्पीसीज कंपोजिशन जो होगा ना अलग हो जाएगा इससे काफ़ी ऐसे डिफरेंट। अब हम पॉन्ड इकोसिस्टम ले लिए तो इसका स्पीसीज कंपोजिशन अलग होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। यही ये बात बोल रहा है कि जितने डिफरेंट इकोसिस्टम होंगे जब हम उसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हमको पता चलता है कि स्पीसीज कंपोजिशन क्या है और यहाँ पे इकोसिस्टम फंक्शन कैसे कर रहा है ये भी देखते हैं, समझ रहे ना, इकोसिस्टम फंक्शन कैसे कर रहा है। तो स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे वर्ड आया है तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है कि स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड दिया है और वर्टिकल क्या बोलते हैं अरेंजमेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। कैसा अरेंजमेंट होता है, हॉरिजेंटल नहीं होता है, क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर है। और ये फॉरेस्ट के केस में आपको बहुत विजिबली देखने को मिलता है। आपको हम इमेज दिखा देते हैं, बनाए हैं, देखिए अगर किसी भी फॉरेस्ट को दूर से आप देखेंगे, आप फॉरेस्ट में घुस जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा शायद, दूर से आप देखेंगे तो एक सबसे टॉप पे कुछ प्लांट दिखते हैं ऐसे, बहुत दूर से देखेंगे ना सबसे टॉप पे आपको देखेगा फॉरेस्ट कुछ ना कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं इमर्जेंट लेयर। आपको पढ़ना नहीं है इतना डिटेल में लेकिन आप दिखा रहे हैं, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इमर्जेंट लेयर मतलब जो सबसे बाहर निकलती है, बहुत बड़े बड़े ये 100 मीटर या 100 मीटर से अबव जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेस्ट की मेजर कैनोपी बनाती है, जिसके बेसिस पे कहते हैं ना बड़ा घना जंगल है, तो ये कैनोपी जो होती है ये कैनोपी लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, कैनोपी लेयर होता है, ठीक है। और कैनोपी लेयर के बाद उससे छोटे ट्री होते हैं, यहाँ पे देखिए हाइट भी दिया है, अप्रॉक्स लगभग 30 मीटर तक ये जाता है, ये 38 मीटर या 35 मीटर से ऊपर वाले रहते हैं, 35 से 100 मीटर तक, 150 मीटर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो होते हैं ये छोटे होते हैं, काफी काफी छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अंडर स्टोरी, ये 17 मीटर तक जाते हैं, ये सारे प्लांट हैं, ट्री ट्री की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अंडर स्टोरी, ठीक है। और सबसे नीचे ये देखिए यहाँ पे एक है और छोटे हैं ये, तो ये हर्बेसियस श्रब की कैटेगरी में आ जाएंगे, श्रब में आएंगे या बुशेस जो होती हैं झाड़ियों टाइप से, तो ये देखिए 5 मीटर तक जा रहे हैं। नॉर्मली ट्री की हाइट जो होती है 3 मीटर से ऊपर को हम बोलते हैं ट्री की ही कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज दिया है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ऐसे प्लांट होते हैं जो शेड में ग्रो करने वाले होते हैं, यहीं पर रहते हैं, ठीक है। और ये जो इमर्जेंट है ना इनको लाइट की जरूरत होती है, इसलिए बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं और ऊपर एकदम मस्त लाइट लेके ग्रो करते हैं, क्लियर है कि नहीं। और सबसे नीचे जो होता है ना, एकदम नीचे, यहाँ पे टर्म नहीं दिया है, यहाँ पे एकदम नीचे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया देख रहे हैं येलो कलर में हमने किया है, ये होता है लस ग्रीन है बिल्कुल एकदम, ठीक है। इसको एकदम अगर हम ग्रीन में दिखाएं, एक सेकेंड, हाँ, तो ये ना एकदम लस ग्रीन होता है ऐसे, ठीक है, ग्रीन। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर। और अमेजन रेन फॉरेस्ट में इसी में जो है ना कोंडा घूमते रहते हैं, सांप वगैरह रेप्टाइल्स वगैरह जो है ना इसी में घूमते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ही अलग होता है, उसमें कहीं कहीं ट्री दिखते हैं और बाकी ग्रासेस होती हैं, तो उसमें मैदान बहुत लंबा होता है, तो उसमें जो बहुत फास्टेस्ट एनिमल होते हैं ना वो आपको ग्रासलैंड में दिखेंगे। आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टाइगर, लायन या जो बहुत तेज दौड़ने वाले जानवर है ना वो नहीं दिखेंगे, क्यों, क्योंकि इतना इसका जो ये अंडर स्टोरी होता है और ये जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं नीचे वाले अंडर ग्रोथ वाले बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, यहाँ पे उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो एलिफेंट वगैरह के लिए जो एरिया होता है वो ग्रासी एरिया होता है, ठीक है, और एलिफेंट का बहुत बड़ा रोल है ग्रासलैंड को मेंटेन रखने के लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, क्लियर है कि नहीं। तो हमने आज देखा इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझा है, इकोसिस्टम होता क्या है इसकी स्ट्रक्चर को समझा है, इसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं जो उनको हमने देखा है, ठीक है। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट को देखा, कैसे इंटरेक्शन होता है और क्या मीनिंग है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है,
और यहाँ पे ये हमने आपको समझाया क्या मीनिंग है, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल ट्री कैनोपी, सबसे जो मेन कैनोपी लेयर होता है टॉप वर्टिकल स्टेटा लेयर, लेयर ऑफ फॉरेस्ट श्रब देखिए होता है, और सेकेंड लेयर पे नॉर्मली, उसके बाद नीचे हर्ब एंड ग्रासेस सबसे बॉटम लेयर होती है। तो यहाँ बेसिक इसमें तीन भाग में डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने एक और लेयर ये दिखाया है क्या, इमरजेंट लेयर, यहाँ पे केवल क्या बोला है, कैनोपी, ठीक है। तो ऐसे आपको ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर चीज़ को हम मापने थोड़ी जा रहे हैं, तो ये एवरेज रहता है, ठीक है, एवरेज है। आप इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी था पहले, अभी नई वाली में दिखा नहीं रहा है, पता नहीं किस चैप्टर में, आई डोंट नो, लेकिन प्रीवियस किताबों में होगा जो पीछे की किताबें हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, इकोसिस्टम का फंक्शन, और उसमें सबसे पहला फंक्शन जो हमारा होगा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी। तो स्टे ट्यून, और आपको चीज़ें जो है ना बेहतर करना है, बेहतर से बेहतरीन बनना है, लेकिन आप आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लीज़ डू वॉच एंड डू स्टडी। चलते हैं अगले लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।